ना इंसान को सुकून ना जानवरों को चैन है, बस ये झूठा खुदा ही इन मज़हबों की देन है। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आज के शो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें मुस्लिम्स इस्लाम को बाकी मज़हबों से अलग समझते हैं और इस पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं। ये होता है नूर खुदा, जो कहता है कि खुदा एक नूर है जो किसी भी शेप से परे है। तो आज आपको इसी बात का सबूत दूंगा कि कैसे खुदा की भी एक शेप है और ये भी फिज़िक्स के रूल से बंधा हुआ है, और कैसे हर चीज़ को हम मेटाफोर में नहीं ले सकते। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह का जिस्म, ये वो चीज़ है जिसके बारे में किसी मुसलमान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो तो बस यही सोचते हैं कि अल्लाह निराकार यानी फर्मलेस है। अल्लाह का कोई शरीर नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, और खुद जाकिर नाइक जैसे लोग ये बात दूसरे धर्मों की किताबों से भी साबित करने लगते हैं। पर इस्लाम के नज़रिए से अल्लाह का जिस्म भी है और आत्मा भी है, और आज की इस वीडियो में मैं ऐसी बातें कुरान और हदीस से साबित करूँगा जो आम मुसलमानों को नहीं पता, पर इनके मौलवियों को ये अच्छे से पता है, पर वो अपने खुतबे में ये बातें कभी नहीं बोलते। अल्लाह के जिस्म के ताल्लुक से मुसलमानों के दो सबसे बड़े तबके यानी हनफी और सलाफी का बहुत बड़ा मतभेद है, और अक्सर इनके बीच इस बात को लेकर मुंजरे होते रहते हैं। एक कहता है मोहम्मद ने अल्लाह को मेराज में देखा, दूसरा कहता है नहीं देखा। एक कहता है अल्लाह हर जगह हाजिर है और नज़ीर है, और दूसरा कहता है नहीं, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अपने अर्श के ऊपर है। यानी खुद मुसलमानों को भी ठीक से नहीं पता, और ये स्कॉलर्स अक्सर मुसलमानों को गुमराह करते रहते हैं। पर जफर आपको गुमराह नहीं करेगा, हम अल्लाह के ताल्लुक से कुरान और हदीस में क्या आया है उसे चेक करेंगे। मैं पहले कुछ आयतें और हदीसें दिखाता हूँ जिनमें अल्लाह के बॉडी पार्ट्स का जिक्र मिलता है, लेकिन अक्सर उलेमा कहते हैं कि ये बस एक मेटाफोर है। मेटाफोर का मतलब होता है किसी बात को ठीक से समझाने के लिए किसी समझ में आने वाले एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया जाए। मुस्लिम स्कॉलर्स इसी शब्द का मिसयूज करते हैं, और अक्सर ये भी देखा जाता है कि मुस्लिम स्कॉलर कुरान का तजुर्मा करते वक्त सही अल्फाज का ट्रांसलेशन नहीं करते, जिससे असली मैसेज अवाम तक नहीं पहुंच पाता, और खासकर ट्रांसलेशन में चोरी हनफी स्कॉलर करते हैं। इनका ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, इन्होंने हदीस में भी काफ़ी जगह बदलाव किए हैं, और तफसीर तो हर सदी का मौलवी अपने हिसाब से लिखता है। इसलिए अगर समझना ही है तो इंग्लिश में शाही इंटरनेशनल पढ़ें, वो फिर भी थोड़ा ठीक होता है, हालांकि ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाकर चेंज करने की कोशिश वहां भी होती है। आज मैं जितनी भी दलील दूंगा, एक बार इंग्लिश में तजुर्मा पढ़ें और एक बार उर्दू में, आपके मौलवी आपको कितना धोखे में रखते हैं आपको पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ रेफरेंसेस जो अल्लाह के जिस्म की बात करते हैं, और साथ ही साथ मैं इनमें से कुछ के लिए ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये मेटाफोर क्यों नहीं है। बॉडी पार्ट्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की आत्मा, कुरान 32:9। फिर इसकी एक नस्ल है वक़्त पानी के निचोड़ से चलाई, जिसे ठीक ठाक करके इसमें अपनी रूह फूंक दी, कुरान 15:29। तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। इस आयत में अल्लाह आदम का वाक्य बता रहा है, जब अल्लाह ने आदम को बनाया तब आदम में अपनी रूह फूंक दी, यानी आदम के जिस्म में अल्लाह की रूह है, और यहाँ ज़बरदस्ती का ब्रैकेट में क्रिएटेड डाला गया है। अल्लाह की आँखें, तू अपने रब के हुक्म के इंतज़ार में सब्र से काम ले, बेशक तू हमारी आंखों के सामने है। इस आयत में अय्यून अल्फाज आया है जिसका मतलब आंखें यानी आईज हैं। ये मेटाफोर हो सकता है, मगर यहाँ अल्लाह अपनी बात को और अच्छी तरह ये कहकर भी पेश कर सकता था कि तू अल्लाह की आंखें ना होने के बाद भी उसे दिख रहा है। अल्लाह के हाथ, कुरान 48:10। जो लोग तुझसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं, और इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, कुरान 38:75। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे इसे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया। यहाँ अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं थी अपने हाथ की बात करने की, ये भी कह सकता था कि जिसे मैंने बनाया, कुरान 39:67। सारी ज़मीन कयामत के दिन अल्लाह की मुट्ठी में होगी, और तमाम आसमान इसके दाएं हाथ में लिपटा हुआ होगा। इन तीनों आयतों में यद अल्फाज आया है जिसका मतलब हाथ होता है, और ज़रा लास्ट वाली में गौर कीजिए, यहाँ राइट हैंड क्लियरली कहा गया है। इस आयत को मेटाफोर कहकर नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि यहाँ हाथ का टाइप भी बताया गया है कि राइट हैंड। अल्लाह के पैर, कदम, फुट।
रसूल ने फरमाया, जब जहन्नुम में दोज़कियों को डाला जाएगा और जहन्नुम कहेगी कुछ और भी हैं, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर अपना कदम रख देगा और फिर वो कहेगी कि बस बस। इस हदीस में अरबिक वर्ड कदम आया है यानी पैर, फेस ऑफ अल्लाह, कुरान 2:115। और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुंह करो उधर अल्लाह का भी है, कुरान 76:9। हम तो सिर्फ अल्लाह ताला के चेहरे के लिए खिलाते हैं। वजह का मतलब होता है चेहरा यानी फेस, मगर यहाँ स्कॉलर ने इसे बदल दिया और इसीलिए वो कहते हैं कि तजुर्मे के लिए किसी आलिम के पास जाओ ताकि वो आपको गुमराह कर सकें। ये तफसीर भी गलत लिखते हैं और कुरान के तजुर्मा भी गलत लिखते हैं। अल्लाह की उंगलियाँ, रसूल ने कहा बनी आदम में सारे दिल एक दिल की सूरत में अल्लाह ताला की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है, वो जिस तरह चाहता है इसे घुमाता है। दरअसल आज के वक्त के ये स्कॉलर्स हमें बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये बातें मेटाफोर में कही गई हैं ताकि इंसान इन्हें आसानी से समझ सके, लेकिन सच तो ये है कि ये सब कोरी बकवास थी जिन्हें बचाने की कोशिश होती है। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ कुरान और हदीस से अल्लाह के एक बॉडी पार्ट की बात हो रही है और कुछ स्कॉलर्स इसे कैसे जस्टिफाई करते हैं। अल्लाह की पिंडली जो कुरान और हदीसों में मिलती है, और ये स्पेशल है क्योंकि केवल एक पिंडली है अल्लाह की, कुरान 68:42, जिस दिन पिंडली खोल दी जाए और सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो सजदा ना कर सकेगा। आयत में ये जिक्र आया है कि आखिरत में अल्लाह मुसलमानों के सामने अपनी पिंडली को खोल देगा, और इस आयत की तफसीर में कुछ स्कॉलर ने ये लिख दिया है कि पिंडली खोलना अरबी का एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अल्लाह सिर्फ अपना जलवा दिखाएगा। पर स्कॉलर की इस बात की पोल बुखारी की एक हदीस खोल देती है। हमने रसूल से पूछा कि क्या हम कयामत के दिन अपने रब को देखेंगे, रसूल ने कहा जिस तरह सूरज और चांद को देखने में कोई तकलीफ नहीं होती वैसे ही तुम अल्लाह को देखोगे। बयान किया फिर अल्लाह ने इनके सामने इस सूरत के अलावा दूसरी सूरत मांगा जिसमें इन्होंने इसे पहली मर्तबा देखा होगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे तू ही हमारा रब है, फिर पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें इसकी कोई निशानी मालूम है, वो कहेंगे साख पिंडली, फिर अल्लाह अपनी पिंडली खोल देगा और हर मोमिन इसके लिए सजदे में गिर जाएगा। अगर पिंडली का खोलना एक मुहावरा है तो मोहम्मद साहब ने इस हदीस में ऐसा क्यों कहा कि मुसलमानों से पूछा जाएगा कि अल्लाह की निशानी बताओ, फिर मुसलमान कहेंगे कि अल्लाह की पिंडली यानी साफ है। मुस्लिम के स्कॉलर्स इनसे झूठ बोलते हैं ताकि ये इस्लाम में बने रहें, इनकी पोल ना खुले। अगर आप अंधविश्वास का चश्मा उतार कर इन दलीलों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह की आत्मा भी है, अल्लाह का चेहरा भी है, अल्लाह की आंखें भी हैं, हाथ भी हैं और उन हाथों में उंगलियां भी हैं, और अल्लाह के पैर भी हैं और एक पिंडली भी। अब आपको दिखाता हूँ कि मुस्लिम लोग कैसे कन्फ्यूज्ड रहते हैं। यहाँ तक तो अल्लाह की शेप ठीक ठाक है, लेकिन अब ये रेफरेंस देखिए, इंसानों के दो हाथ होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अल्लाह के भी दो हाथ हैं, लेकिन स्पेशल इसमें यह है कि ये दोनों के दोनों हाथ राइट साइड हैं, लेफ्ट की तरफ कुछ भी नहीं। इसकी दो हदीसें भी मिलती हैं हमें, और साथ ही साथ एक स्कॉलर से भी सुन लेते हैं। Any questions? Naam, Imran. You say, I mean, Allah has two hands, but yes. Is it true that both hands are right hands? Very good. Is it true that both his hands are right? Yes, it is true. The hadith says very clearly that both his hands are right. तो ये था इनका बयान। इस्लाम कॉन्ट्राडिक्शन से भरा पड़ा है। जाकिर नाइक जैसे साबित करते हैं कि अल्लाह की कोई शेप नहीं, कोई शक्ल नहीं, जबकि कुछ का मानना है कि शेप है मगर वो कुछ ऐसी है कि हम उसे समझ नहीं सकते। अब एक और बयान दिखाता हूँ आपको। But Allah says in the fourth ayat of Surah Ikhlas, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." How Allah is? There is none like him. Meaning you cannot imagine Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says in Surah Shura, Surah number 42, ayat number 11, "Laysa kamithlihi shay'an." No example can be given for the similitude that Allah has presented. Leave aside giving a similitude or an example to Allah himself. Allah says, "Laysa kamithlihi shay'an." If Allah has given an example of something, if Allah has given a similitude of something in the Quran, you cannot even make a similitude of the similitude that Allah gave. Meaning he has got a shape. How he is, we do not know. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said in Sahih Bukhari, volume number 6 and volume number 1, on the day of judgment, Allah will appear as he wills before the believers. जी, actually इन्होंने कुछ और नहीं, बस एक और नई contradiction पैदा कर दी है। कैसे? आइए देखते हैं। तो इनका मानना है कि इंसान अल्लाह की शेप को समझ नहीं सकता, मगर कुरान और हदीसें तो अल्लाह की मिसाल इंसान से देती हैं। कुरान 95:4, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। अब भला ये बेहतरीन सूरत किसकी है?
इसका जवाब हमें हदीसों से मिलता है। तो आइए देखते हैं कि ये किसकी सूरत है। साही मुस्लिम 7163 एंड बुखारी 6227। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अजवल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया। उस वक्त इनका कद 7 हाथ था जब इनको तख्लीक फरमाया। इतना ही नहीं, एक और हदीस मिलती है हमें जिसमें कहा गया है कि रसूल ने कहा, जब तुम में से कोई अपने भाई से लड़ो तो चेहरे पर मारने से बचें, क्योंकि अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया। तो इन सब से क्या साबित होता है? इन सब बातों से ये साबित होता है कि उलेमा खुद कन्फ्यूज्ड हैं कि अल्लाह की शेप कैसी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि झूठ झूठ होता है और सच सच। सच बोलकर आपको तसल्ली मिलती है क्योंकि आपको उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ बोलकर उसे याद रखना पड़ता है कि कब कहाँ और कितना झूठ बोला था। और जब आप किसी झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हो तो आपको उसे कई परतों में लपेटने की ज़रूरत पड़ती है। यही परतें ठीक से लपेटना आसान नहीं होता। कभी ना कभी जफर जैसे लोग इस झूठ की परतें उतार ही देते हैं। दरअसल अल्लाह नाम का कुछ था ही नहीं, ये मोहम्मद साहब का बनाया इमेजिनरी करेक्टर था जिसे सिर्फ उनकी पर्सनल प्रॉब्लम सुलझानी आती थी। उनसे पहले और बाद में भी ऐसे कई लोगों ने एक ऐसा ही करेक्टर बनाकर उसे इस्तेमाल किया था इंसानियत के लिए, लेकिन मोहम्मद साहब ने इसका गलत इस्तेमाल किया और इस्लाम को फैलाने के लिए ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी जिनसे फितरती और हुकूमत के भूखे लोगों की ख्वाहिशें पूरी हो रही थीं। और यही रीज़न था कि इस्लाम फैल सका और बाकी पीछे रह गए। मगर भाइयों, ये वक्त मज़हबों का नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, क्योंकि मज़हब हमारी सोच को बांध कर रखते हैं। ये हमें दिमाग से अपाहिज बना देते हैं और हमें इसका सही इस्तेमाल नहीं करने देते। इंसान को ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ डिस्कवर करना है। ये दुनिया बहुत बड़ी और बहुत वंडरफुल है और ये कायनात उससे भी ज़्यादा। तो मेरे भाइयों, अपने वक्त को इन मज़हबों में ज़ाया ना करो, बल्कि इस कीमती वक्त को साइंस और इंसानियत को दो, ताकि आपकी जनरेशन जब आपको याद करे तो अच्छी वजहों से याद करे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। साइंस ऑफिस।